Hello and welcome to Target Net. This is Richa and I'm your educator for UGC Net. ये सीरीज मैंने बनाई है नेट के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन बच्चों के लिए जिनका पेपर टू मैनेजमेंट कॉमर्स या एचआरएम है। इस सीरीज में मैंने वीकली बेसिस पे हर यूनिट को कवर करने की कोशिश की है जिससे कि जो लर्नर्स मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे वो हर वीक यूजीसी नेट का एक जो वॉल्यूम है या एक यूनिट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन टुडेस सेशन। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। ये जो सेक्शन है ये आपके हायर एजुकेशन में नया ऐड हुआ है और इसीलिए बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है इसको लेकर कि क्या क्वेश्चन आएंगे और क्या कंटेंट है जो इसमें कवर होना चाहिए। तो मैंने आज के लेक्चर में जो मैक्सिमम चीज़ें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं इस टॉपिक को लेकर वो मैंने इसमें अच्छे से कवर की हैं और उसके साथ ही मैंने कुछ क्वेश्चन भी कवर किए हैं MCQs जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगे कंटेंट के अलावा भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉड्यूल। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मॉड्यूल को करने के बाद इसमें से जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है आप उसे ठीक से अटेम्प्ट कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसकी बजाय जो एंशिएंट इंडिया में या जिसको हम वैदिक काल या पुराना जो हम इतिहास बोलते हैं अपना उसमें एजुकेशन का स्ट्रक्चर कैसे था और कैसे टाइम के साथ वो इवॉल्व हुआ वो आपको पता हो। उसमें बेसिक एजुकेशन का में करिकुलम कैसा होता था, टीचर्स कैसे होते थे, किस तरह की पढ़ाई कराई जाती थी, एग्जामिनेशन कैसे होते थे, जो स्टूडेंट्स होते थे वो कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। तो इस तरह से ऊपरी तौर पर वो चाहता है कि आप अलग अलग एरा में क्या क्या हुआ वो आपको नॉलेज हो इस चीज़ को लेकर। तो अगर मैं देखूं तो मैंने देखिए यहाँ पे पांच कैटेगरीज में इसको बाइफरकेट किया है कि जो एक एंशिएंट पीरियड से हम वैदिक काल बोलते हैं। आई जस्ट राइट इट हियर। वैदिक एरा जिसे हम बोलते हैं वो वाली ये जो था यहाँ से हमें स्टार्ट करना है एंड देन बुद्धिस्ट पीरियड जो आया वो और फिर मिडिवल पीरियड यानी इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो मुगल एरा जो मुगल एरा थी उसमें एजुकेशन का क्या स्ट्रक्चर था वो बात और फिर ब्रिटिश पीरियड में एजुकेशन के साथ क्या हुआ और पोस्ट इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद एजुकेशन स्ट्रक्चर में टिल डेट क्या हुआ ये। तो ये तो इसका ब्रॉड कैटेगराइजेशन है। अब आप याद करेंगे तो इन दोनों ही कैटेगरीज को हमने प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस कमिटीज जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें अच्छे से कवर किया है। तो आज का लेक्चर फोकस करेगा इन तीनों सेक्शंस में, इन तीनों सेगमेंट में एजुकेशन कैसे इवॉल्व हुई और उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से है जो लास्ट कुछ टाइम से क्वेश्चन सिलेबस बदलने के बाद आए हैं। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल, थोड़ी सी जिसे आप कहते हैं हिस्ट्री आपको जो जनरली आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होती है उसको ब्रश अप करने की ज़रूरत है और उसके साथ जो आज की स्लाइड में हम चीज़ें देखेंगे आई एम श्योर उसके बाद आप आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके मार्क स्कोर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा एंशिएंट पीरियड को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो हर पीरियड की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नाम से ही लगता है कि जो वैदिक पीरियड था वो कहीं ना कहीं वेदों से रिलेटेड होगा। तो देखो जो ओरिजिन ऑफ वेदास था वो हमारी जब संस्कृति में आर्यन कल्चर जो आया उसी के साथ इसका स्टार्टिंग पॉइंट बोला जाता है कि तभी वेद जो थे वो ओरिजिन में आए और वेद जो आए उसी के साथ साथ ये जो चार वेद हैं आई एम श्योर आपको उनके नाम पता होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेदा। ये चार वेद मिलकर हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है या जो रिसोर्स है हमारा एंशिएंट कल्चर का उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेदास का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज की ऐसी रेपोजिटरी, नॉलेज का ऐसा इकट्ठा खजाना जो है हमारा इतिहास को लेकर वो वेदास हैं उनके अंदर पाया जाता है। ये चार वेद जो है पहली बात तो इनके नाम इंपॉर्टेंट हैं और इनमें भी अगर आपसे पूछता है कि सबसे ओल्डेस्ट जो वेद था वो कौन सा था तो आपको पता होना चाहिए वो ऋग्वेद था पहली चीज। दूसरी अगर मैं इनको एक एक नाम से डिफाइन करूं, मान लीजिए आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है कि ऋग्वेद का मतलब क्या होता है और चार ऑप्शन देता है तो आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद का मतलब होता है नॉलेज ऑफ मेलोडीज, सॉरी ऋग्वेद का मतलब होता है प्रेज,
प्रेज एंड नॉलेज. देवनागरी लिपि में देवनागरी मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है जो ये वेद है, इसको अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो ये प्रेज और नॉलेज का जो कहते हैं खजाना है. और प्रेज किसकी की जाएगी इस टाइम पे? गॉड की जाएगी. तो ऋग्वेद जो है उसको अगर एक लाइन में मार्क करने के लिए आता है तो आंसर होगा आपका प्रेज एंड नॉलेज. और ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि जो ये मैन्युस्क्रिप्ट जिस लिपि में लिखा गया वो देवनागरी लिपि थी. और सामवेद का मतलब क्या होता है? सामवेद का मतलब है नॉलेज ऑफ मेलोडीज. आई राइट हियर, नॉलेज ऑफ मेलोडीज. मेलोडीज किस लिए? फॉर चैंटिंग. आपने देखा होगा ऐसे मंत्रों का उच्चारण जिसको बोलते हैं, चैंटिंग के पर्पस से. तो उसकी नॉलेज जो थी वो इसमें कहीं ना कहीं थी सामवेद में. यजुर्वेद का क्या मतलब है? यजुर्वेद का मतलब है नॉलेज ऑफ सेक्रीफाइस. नॉलेज ऑफ सेक्रीफाइस. और चौथा जो वेद है हमारा लेटेस्ट वेद, अगर ओल्डेस्ट पूछता है तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद, और अगर लेटेस्ट पूछता है तो आपका आंसर होगा अथर्ववेदा. अथर्ववेदा क्या बोलता है? नॉलेज ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज. नॉलेज ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज. इसी टाइम पे जादू, टोना, तंत्र विद्या इन सबको बढ़ावा मिला था अथर्ववेदा के टाइम पे. तो ये न्यूएस्ट आपसे अगर पूछा जाता है तो आंसर होगा अथर्ववेदा, और ओल्डेस्ट होगा तो ऋग्वेदा. तो ये चार वेद जो हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं वैदिक पीरियड या एंशंट पीरियड की एजुकेशन को ध्यान में रखकर अगर बात करते हैं. तो इसके आगे देखते हैं. इसके अलावा उसी एजुकेशन का पार्ट है उपनिषद्स. उपनिषद उसका पार्ट है. कितने उपनिषद है हमारे? 108. एक इम्पॉर्टेंट टर्म है 108, आपको याद रखना है. इसी के अलावा क्या और चीज़ें हैं उस टाइम पे पॉपुलर? वो है दर्शन शास्त्र. दर्शन शास्त्र जो है वो 6 हैं. और आप जो अपनी लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट पढ़ेंगे तो आप इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके नाम और इनका मतलब. न्याय, योग, मीमांसा, वेदांता, सांख्य और वैशिष्का. ये जो 6 दर्शन शास्त्र हैं ये हमारे वैदिक पीरियड की एजुकेशन पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इसके अलावा पुराण्स. पुराण आपने नाम सुने होंगे, पुराण्स ये भी वैदिक एजुकेशन का पार्ट है. तो वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र और पुराण्स ये सब हमारे वैदिक एजुकेशन या वैदिक पीरियड को सिग्निफाई करते हैं, उसका पार्ट है. इसके अलावा देखो क्या है, एंशंट आर्यन कल्चर ऑफ इंडिया लेड एम्फेसिस ऑन प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग. जो आप साधा जीवन, उच्च विचार बोलते हैं, उसकी फिलॉसफी में बिलीव करता था. इस टॉपिक को याद करने का एक बिल्कुल सिंपल तरीका ये है कि जो कीवर्ड्स हैं उनको आप याद कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये नया टॉपिक है, आई एम रिपीटिंग, बिल्कुल सिंपल आएगा. लेकिन सिंपल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए भी वो कीवर्ड और उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर वर्ड हिंदी के या संस्कृत के हैं. और किस एरा में क्या हुआ वो जानना बहुत डिटेल में ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो चीज़ अगर आपसे पूछी जाती है कि वो टर्म जो है वो किस एरा को बिलोंग करती है, या उस टर्म का मतलब क्या है हिंदी में या इंग्लिश में, तो आपको वो पता होना चाहिए. तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हिस्ट्री की तरह नहीं पढ़िए, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने बुलेट्स में रखे उनको याद कर लीजिए. तो यहाँ पे किस तरह की फिलॉसफी की बात हुई? प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग की. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टर्म जो वैदिक काल में इम्पॉर्टेंट थी वो थी कर्मा की. कर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया. तो ये अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. इसके अलावा अगला पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है, जिस पर स्ट्रेट क्वेश्चन आ सकता है, जो विद्या और नॉलेज थी, यानी जो एजुकेशन थी और जो आप उसमें नॉलेज गेन करते थे, उसको 2 भागों में डिवाइड किया था, पराविद्या और अपार विद्या. यानी कि आप कह सकते हो 2 तरह की एजुकेशन जो थी उसका बाइफर्केशन है ये, पराविद्या और अपार विद्या. दोनों नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनका मतलब देखते हैं. पराविद्या का मतलब होता है हायर नॉलेज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल विजडम. यानी कि जो नॉलेज हमें चाहिए यहाँ जब हम जीवन, जो अपना जीवन गुजार रहे हैं उसमें, मृत्यु के बाद हमारा जो फर्दर जर्नी है, यहाँ के बाद की जो जर्नी है उसको अच्छा बनाने के लिए जो स्पिरिचुअल नॉलेज
हमें गेन करनी है उससे रिलेटेड जो स्टडीज हैं वो होंगी पराविद्या, और अपार विद्या वो रेगुलर स्टडीज होंगी जो हमें इस जीवन में, इस लाइफ में अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए जो हमें आना चाहिए, जिस भी तरह की पढ़ाई, फिर चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे वो आपको एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई हो या फिर एग्रीकल्चर की पढ़ाई हो, तो इन सारी जो पढ़ाई थी लॉजिक्स पे, ये सारी पढ़ाई जो है एजुकेशन के जो सब्जेक्ट्स बोलूंगी मैं, ये डिसिप्लिन्स हैं, ये आपको मदद करेंगे इस जीवन में अच्छा जीवन गुजारने के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो जो ये वाली पढ़ाई होगी जो यहाँ की लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होगी वो होगी अपार विद्या, और जो यहाँ से आगे का आपका सफ़र है, जो मृत्यु के बाद का सफ़र है, उसमें आपको जो हेल्प करेगा वो होगा आपका स्पिरिचुअल विजडम। तो उस तरह की पढ़ाई यानी कि हायर लेवल की जो नॉलेज होगी वो होगी पराविद्या। दोनों के बीच का बाइफर्केशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। फोटो में जैसे आप देख रहे हैं, पिक्चर में गुरुकुल दिखाया हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट जो आपके लिए वर्ड बन जाता है वो है गुरुकुल्स। अगर पूछा जाता है कि जो स्कूल्स थे या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे उनको किस नाम से जाना जाता था, तो उस टाइम पे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस ये सब नहीं होते थे, क्या होते थे, गुरुकुल्स। और नाम से ही आपको पता चल रहा है गुरु और कुल, जहाँ पे गुरु का निवास हो या गुरु की जो जगह हो उसे गुरुकुल कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने जनरली भी सीरियल्स में या ऐसे भी देखा होगा कि जो ये गुरुकुल होते थे इनका जो नेचर होता था वो रेजिडेंशियल होता था, यानी कि जो सीखने वाले लोग होते, जो लर्नर्स होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, वो कहाँ आके सीखते थे, गुरु के पास आकर गुरुकुल में ही रहकर सीखते थे। जो नेचर था इन स्कूल्स का या इन गुरुकुल्स का वो रेजिडेंशियल था। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड। इसके अलावा देखो बच्चों को क्या कहा है, प्यूपल्स या लर्नर्स को शिष्य कहा है, एंड दे लिव इन दी प्रॉक्सिमिटी टू द टीचर्स। टीचर्स की प्रॉक्सिमिटी यानी उसकी क्लोज, उसके नियर रहते थे बच्चे और वहीं रहकर ज्ञान अर्जित करते थे। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर वो आपसे पूछता है कि गुरुकुल्स में जो एंट्री थी, एंट्री स्कीम थी, एडमिशन का प्रोसीजर था, वो किस बेसिस पे होता था। अगर आज की मैं बात करूँ तो आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं जो हमने टाइम के साथ इवॉल्व हुए हैं। एंट्रेंस एग्जाम है, आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन है, इंटरव्यूज हैं, रिटन आपके टेस्ट हैं, तो इन सब के लेवल बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था, उस टाइम पे ये देखा जाता था कि जो लर्नर है उसका जो मॉरल कंडक्ट है, यानी कि उसका अपने आप को प्रस्तुत करने का जो तरीका है उसमें कितनी मॉरल वैल्यूज हैं, उसका मॉरल कंडक्ट कितना अच्छा है, और सीखने की इच्छा जो है उसकी वो कितनी ज़्यादा है, उसको एनालाइज करके गुरु ये निर्धारित करते थे कि इसको एडमिशन दिया जाएगा या नहीं, या इसको मेरे अंदर शिक्षा दी जाएगी या नहीं। तो आपका मॉरल कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता था उस टाइम पे एडमिशन्स के लिए। अगली चीज देखते हैं। एंड ऑफ स्टडीज पीपल दे यूज टू ऑफर गुरु दक्षिणा, विच वॉज वन टाइम फी, एक ही बार में आपको पे करना होता था, अनलाइक टूडे। और वो होता था जो पेमेंट, वो होता था गुरु दक्षिणा की फॉर्म में। बहुत ही जनरल सी बातें आपने सब सुनी होंगी, जरूरत है तो उनको एक बार बस ब्रशअप करने की और आप सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जो गुरु थे उनको अपना पढ़ाई के बाद जो शिष्य हुआ करते थे वो कैसे उनको पे बैक करते थे, गुरु दक्षिणा की फॉर्म में। एंशियंट संस्कृत इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, तीनों ही पीरियड्स जो हैं उनकी इम्पॉर्टेंट है कि हर पीरियड में कौन सी लैंग्वेज को बढ़ावा दिया या किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था। तो इस टाइम पे जो लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी वो थी एंशियंट संस्कृत, मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज वॉज एंशियंट संस्कृत। देन सब्जेक्ट्स, एज आई सेड वेदास और पुराण जो थे उनकी तो स्टडीज कराई जाती थी, इसके अलावा ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी, लॉजिक्स जो होती हैं, ये सारे ही सब्जेक्ट्स उस टाइम पे पढ़ाए जाते थे, जो कि जनरली हमें लगता है कि उस टाइम पे पॉपुलर नहीं थे, बट नहीं, ये सारे ही सब्जेक्ट्स उस टाइम पे पढ़ाए जाते थे। इम्पॉर्टेंट टर्म, अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म, वेरी इजी एंड स्ट्रेट क्वेश्चन, बस पता होना चाहिए कि टीचर्स को किस नाम से जाना जाता था। ये सब नाम आपने सुने हुए लगभग, आचार्य, उपाध्याय, चरकास, गुरुज, जो घूम घूम के, इसमें एक यही डिफरेंट है कि जो घूम घूम कर शिक्षा देते थे उनको चरकास बोलते थे, बाकी गुरु, आचार्य, उपाध्याय, शिक्षक और यजुन संतिका, ये भी नाम एक तरह से उस टाइम पे पॉपुलर था टीचर का। तो सब्जेक्ट्स और टीचर आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं कि उस टाइम में किन नामों से जाने जाते थे, एंड लैंग्वेज वॉज संस्कृत। आगे देखो मेथड ऑफ टीचिंग, अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता था, ये देखो उस टाइम पे इन दो मेथड्स को फॉलो किया जाता था, वर्बल मेथड और चिंतन, थिंकिंग का मेथड। जो गुरु ने अपने मुंह से बोला वो बात बच्चों के लिए सच हो जाती थी,
जो भी गुरु ने अपने मुख से बोला उस बात का प्रमाण जो था वो बच्चा नहीं मानेगा, वो उसके लिए एक तरह से सच का काम करेगा, सत्य का काम करेगा। तो जो मोड ऑफ टीचिंग था वो वर्बल मेथड था, और चिंतन, चिंतन का मतलब होता है थिंकिंग, सोचना, उसके बाद कुछ सुन के उस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना और समझना, इस तरह से जो थी वो टीचिंग फॉलो होती थी। और तीन सिंपल प्रोसेसेस, अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ये तीनों टर्म्स आपके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट हैं, सर्वना, मनना और निध्यासन। आप देख रहे हैं हिंदी और संस्कृत की टर्म्स हैं। श्रवण, एक्चुअल में इसका मतलब है श्रवण, तो यानी कि टीचर के मुख से सुनना, और जो टीचर आपको ज्ञान दे रहा है या नॉलेज दे रहा है उसको बोलते हैं श्रुति, नॉलेज वॉज कॉल्ड एज श्रुति। सुनकर आपने किससे, अपने गुरु के मुख से जो सुना उससे आपने जो नॉलेज अटेन की दैट वाज श्रुति, एंड द मेथड दैट यू फॉलोड कि आपने टीचर के मुख से बात सुन के शिक्षा ग्रहण की वो सर्वना। मनना इज द फर्दर बाइफर्केशन या इवॉल्व स्टेज, सुन के ज्ञान लेना, मनन करना मतलब कि वही उसको सोचना, पीपल हैव टू थिंक अबाउट फॉर हिमसेल्फ द मीनिंग ऑफ द लेसन सो दैट दे कैन एसिमिलेट फुली। एक बार जो उन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, जो आज के टाइम में अगर मैं इसको रिलेट करूँ तो जो हम टीचिंग में पढ़ते हैं कि मेमोरी लेवल टीचिंग होती है और फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग होती है और थर्ड रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है, उसी को अगर मैं रिलेट करूँ, या फिर क्वेश्चन आपसे ऐसे भी फ्रेम कर सकता है कि जो मेमोरी लेवल टीचिंग थी उसको आप किससे रिलेट करेंगे उस टाइम की कॉन्सेप्ट से। इसी के साथ आपसे पूछे अंडरस्टैंडिंग, समझने वाली जो टीचिंग होती है, जब लर्नर कॉन्सेप्ट को समझता है और एसिमिलेट करता है उससे, उसका मतलब अच्छे से जो है उसको सोचकर निष्कर्ष निकालता है, वो होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल। और रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव का मतलब एक फर्दर थर्ड स्टेज है, जब वो एनालिसिस करना खुद से समझ जाता है, एंड देन इट बिकम्स उसके नेचर का पार्ट बन जाता है वो। तो ये थर्ड लेवल जो होता है वो है निध्यासना, कॉम्प्लीट कॉम्प्रिहेंशन बाय द पीपल ऑफ द ट्रूथ दैट इज टॉट सो दैट ही मे लिव द ट्रूथ एंड नॉट मियरली एक्सप्लेन्स इट वर्बली। मान लीजिए आपको मॉरल करेज या मॉरल इंटीग्रिटी का पार्ट आपका शिक्षक पढ़ा रहा है, तो आपने ना केवल उस पार्ट को सुना समझा बल्कि उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाया। आप एज अ ह्यूमन बीइंग ऑनेस्ट और इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन से भरे हुए ह्यूमन बीइंग बने, तो ये जो थर्ड लेवल था वो आपने अचीव कर लिया निध्यासना का। तो ये तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं और इनका प्रेजेंट सिनेरियो में जो कंटेक्स्ट है उसका कनेक्शन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो एजुकेशन के प्रोसेस को इन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया एंशिएंट पीरियड में, वैदिक काल में। आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, आप चाहें तो नोट्स में जरूर मार्क कीजिएगा। एडमिशन जो होता था बच्चों का उस टाइम पे एक फॉर्मल सेरेमनी, जैसे कि आजकल जो इंट्रैक्शन होता है या आप बोलते हैं उसको इनिशियल जो आपकी ग्रूमिंग होती है किसी इंस्टीट्यूट में, तो उस टाइम की जो इनिशियल सेरेमनी होती है जब आप एडमिशन लेते हैं तो उस टाइम पे एक फॉर्मल सेरेमनी फॉलो होती थी जिसको उपनयन, हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं इसको उपनयन सेरेमनी। जो उपनयन सेरेमनी थी उसका मतलब था कि आपने अब फॉर्मली एजुकेशन पाने के लिए गुरुकुल में एडमिशन ले लिया है। उसी तरह से एक और सेरेमनी उपकर्मणा सेरेमनी होती थी, जो कॉन्वोकेशन का मैसेज होता था उसको बोला जाता था संवर्धना। संवर्धना गुरु जो होते थे वो कॉन्वोकेशन का मैसेज जो थे वो देते थे, तो उसका हिंदी वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है संवर्धना। इसके अलावा देखो, आफ्टर ज्वाइनिंग न्यू होम पीपल्स अज्यूम सेकेंड बर्थ दिविजा, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, स्ट्रेट क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपने नहीं सुना होगा तो आप नहीं गेस कर पाएंगे, लेकिन आपने एक बार देखा होगा तो आपको याद रहेगा। ट्वाइस बॉर्न, जो बच्चा गुरुकुल में प्रवेश ले लेता था अपनी पढ़ाई के लिए उसको कहा जाता था कि एक तरह से उसका दूसरा जन्म हो गया है, तो जो दूसरा जन्म होता था उस टर्म को बोला जाता था दिविजय, तो यही इस टर्म का मतलब है। उसके बाद देखो क्या है, डिसिप्लिन ऑफ ब्रह्मचर्य, अनदर इंपॉर्टेंट टर्म। ब्रह्मचर्य जो था यानी कि ही वॉज नॉट अलाउड टू मैरी, या नॉर्मल सी बात है तो ये फॉलो किया जाता था उस टाइम पे। हालांकि मैरिड स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई एजुकेशन लेने की आज़ादी थी, लेकिन उनको रेजिडेंशियल जो कॉम्प्लेक्सेस थे यानी कि जो गुरुकुल में रहने का जो फैसिलिटी थी वो उनको अलाउड नहीं थी, हालांकि वो एजुकेशन ले सकते थे। जो वहाँ पे रहने वाले बच्चे थे, लर्नर्स थे, जो शिष्य थे, उनको ब्रह्मचर्य, कंप्लीट ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था।
ये देखो, ड्यूटी ऑफ प्यूपल टू सर्व हिज प्रिसेप्टर, टू वर्शिप हिम एज हिज ओन फादर, अपने गुरु की उसको एक पिता की तरह या भगवान की तरह पूजा करनी होती थी, ये उस टाइम पे कल्चर था। ब्रह्म संघ, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब ये याद रखना, ये भी वही बात है, पुरानी और नई कैसे हो रही हैं चीज़ें, उन चीज़ों को लेकर। ब्रह्म संघ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती थी जहाँ पर मेरिटोरियस बच्चे, यानी जो पढ़ाई में अच्छे ऊपर के बच्चे होते थे, उनको चांस मिलता था कि वो अपनी हायर नॉलेज जो है उसको अटेन कर पाएँ, प्रेजेंट कर पाएँ, शेयर कर पाएँ। तो ब्रह्म संघ जो था वो एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट था उस टाइम पर। संघ का मतलब हो गया सेमिनार्स, तो ब्रह्म संघ हो गया इंटेलेक्चुअल लोगों की सेमिनार्स। तो सेमिनार क्या होता है आज के कंटेक्स्ट में, यही होता है ना कि एक स्पीकर जो किसी भी फील्ड में नॉलेजेबल पर्सन होता है, वो ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं सिमिलर माइंडसेट वाले, सिमिलर इंटेलेक्ट वाले जो लोग होते हैं, उनके साथ अपने जो पेपर होता है उसको शेयर करता है, अपनी जो उसकी फाइंडिंग्स हैं या उसकी रिसर्च है या उसने जिस भी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज ली है उसको वो शेयर करता है। तो ब्रह्म संघ आज के टाइम की एक तरह से आप कह सकते हो सेमिनार्स होती थी। तो अगर आ जाता है इसको फाइंड आउट करना कि कौन सा वर्ड होता था, तो वो आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड वाज परिषद। परिषद वर्ड नाउअडेज जिनको हम बोलते हैं एकेडमीज जो होती थी, तो उनके लिए वर्ड यूज होता था परिषद। वेरी इंपॉर्टेंट ब्रह्म वंदनीज, विमेन जो होती थी उनको लेकर दो ही कैटेगरीज आपको याद करनी है, एक ब्रह्म वंदनीज की और एक सद्योवाहास। ये दो वर्ड्स हैं जो आपको याद करने हैं, उनमें भी ब्रह्म वंदनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सॉरी। वो क्या बताते हैं, ब्रह्म वंदनीज वो हाईली इंटेलेक्चुअली कॉम्पिटेंट लेडीज थी उस टाइम की, जो पढ़ने में बहुत अच्छी थी और पढ़ाई के लिए उन्होंने जो मैरिज है उसको कम्प्लीटली ना करने का जो फैसला लिया था, ये ऐसी इंटेलेक्चुअल लेडीज हुआ करती थी उस टाइम की। फॉर एग्जाम्पल आपने ये सब नाम सुने होंगे, गार्गी, मैत्री, आई जस्ट राइट हियर, गार्गी, मैत्री, लोकमुद्रा, ये सारी उस टाइम की नॉलेजेबल जो विमेन हमारी लेडीज थी वो थी उस टाइम पे, और उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया या शादी को नहीं कंसिडर किया अपनी हायर स्टडीज के लिए। सद्योवास वो वाली लेडीज होती थी जो शादी तक एजुकेशन को अटेन करती थी, तो ये दो नाम आपको पता होने चाहिए। तो इस स्लाइड में हमने बहुत सारे हिंदी और संस्कृत के नाम देखे, उन पर क्वेश्चन आपका फॉर्म हो सकता है। लेटर वैदिक एज, अब ये अलग से कैटेगरी नहीं है, बस आप समझ लीजिए कि जब वैदिक एरा का अंत हो रहा था और बुद्धिस्ट एरा की शुरुआत हो रही थी, उस टाइम पे एक जो मेजर चीज़ इंट्रोड्यूस हुई वो थी कुल और गोत्र, जिन्हें हम वर्ण सिस्टम कहते हैं। अभी तक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं आप, एजुकेशन जो थी अभी तक जो इम्पार्ट हो रही थी या प्रोवाइड हो रही थी उसमें कोई भी बायसनेस नहीं थी, एजुकेशन सबको दी जा रही थी, अनलेस एंड अंटिल जो पीपल थे या स्टूडेंट या लर्नर्स थे वो लर्निंग के लिए क्या बोलते हैं कॉम्पिटेंट इनफ थे, वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली सीखना चाहते थे और उनका मॉरल कंडक्ट अच्छा था, तो शिक्षा सबके लिए थी। आपने देखा लेडीज भी पढ़ रही हैं, मेल्स भी पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी शादी हुई है वो भी पढ़ रहे हैं, जिनकी नहीं हुई है वो भी पढ़ रहे हैं, यानी एजुकेशन सबको ऑफर की जा रही है विदाउट एनी बायसनेस और विदाउट एनी बाइफर्केशन। दिस वॉज द टाइम लेटर वैदिक एज जब वर्णा सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, और कास्ट के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे आपका जो पढ़ाई का जो डिसिप्लिन है या सब्जेक्ट है या स्पेशलाइजेशन है वो डिसाइड किया जाने लगा। इस टाइम पे पहली बार कास्ट का बाइफर्केशन हुआ और हर कास्ट का आदमी किस तरह का काम करेगा, यानी ऑक्यूपेशन लेगा, और उस ऑक्यूपेशन के लिए फिर उसको वैसी पढ़ाई करनी पड़ेगी, वही सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, तो वो वही पढ़ेगा। तो यही बातें यहाँ पर मैंने इनको बाइफर्केट किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये आपने सब सुने हुए हैं हमारे कास्ट सिस्टम, और इस टाइम पे उनको किस तरह की पढ़ाई की जाती थी। ब्राह्मण्स का काम तो इम्पार्ट नॉलेज इम्पार्ट करने का ही होता था, तो ये तो सब चीज़ें ही पढ़ते थे, वेद, पुराण, जितनी भी चीज़ें। जो क्षत्रिय थे उनकी पढ़ाई को लिमिट कर दिया गया डिफेंस और मिलिट्री ट्रेनिंग तक, क्योंकि उनको क्या करना है आगे जाके यही काम करने हैं, सुरक्षा के, रक्षा के, युद्ध से, युद्ध की रणनीतियाँ और जितने भी आपके शस्त्र होते हैं, शस्त्र विद्या जो होती है, वेपन्स से रिलेटेड जो एजुकेशन होती है वो सब इनको करना है, तो उनकी स्टडीज़ को लिमिट किया गया इन विषयों के, इन सब्जेक्ट्स तक। वैश्यों का काम क्या किया गया, उन्हें अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, जो बिजनेस से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सिखाए जाने की बात की गई। और शूद्रों को जो देवगण विद्या है, जो हायर एजुकेशन थी,
अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे ऑफर नहीं की जाती थी और उन्हें माना जाता था कि वो इस तरह की चीज़ें सीखें जिनसे उनका जो लोकल कल्चर है या लोकल उनका तरीका है नाचने का या नृत्य का या संगीत का या डाइंग ऑफ क्लोथ्स, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो इस तरह की विद्या जो है उन्हें दी जाए और उन्हें हायर एजुकेशन ना दी जाए। तो अनफॉर्चुनेटली कास्ट के बेसिस पे एजुकेशन का और ऑक्यूपेशन का बाइफर्केशन लेटर वैदिक एज में हमने देखा। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं या फिर एक और क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है कि एम क्या था एंशिएंट एजुकेशन का, और चार ऑप्शन आपको दे देता है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आपके पास आता है तो आप उसका जवाब इजीली दे सकते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहूँगी, जो मैंने टॉप ऑफ द पिरामिड इसको मैंने प्लेस किया है, वो है कि एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में चाहे कोई भी मेथोडोलॉजी फॉलो हो रही हो, अल्टीमेट जो एम था वो था कि हम मोक्ष प्राप्त कर पाएं, यानी कि यहाँ के बाद का जो हमारा जीवन है वो सफल हो और हम स्वर्ग में जाकर जो है हम अटेन कर पाएं एक पीसफुल पोजीशन और यहाँ का जीवन समाप्त अच्छे से कर पाएं और आगे का जो सेकेंड लाइफ है उसमें भी हम अच्छे से प्लेस कर पाएं खुद को। तो जो मोक्ष या निर्वाण होता है, निर्वाण इज द वर्ड बट वी विल नॉट यूज निर्वाण बिकॉज ये आगे यूज किया, मोक्ष हम यूज करेंगे कि मोक्ष प्राप्ति जो थी वो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम का टॉप मोस्ट जो था वो एम था। इसके अलावा रिलीजियस एजुकेशन या रिलीजियस नॉलेज को इम्पार्ट करना, एक जो अपने लर्नर्स हैं उनके कैरेक्टर की शेपिंग करना, बिकॉज जो इनिशियल ईयर्स में आप बच्चे को सिखाते हैं वही उसकी फाउंडेशन बनती है लेटर ईयर में वो कैसा बिहेव करेगा या कैसे ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट होगा। तो कैरेक्टर बिल्डिंग का काम जो था वो उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट एक एम था। सोशल स्टडीज़ जो सामाजिक विज्ञान होता है उसकी स्टडीज़ उस टाइम पे एम्फसाइज की जाती थी। इसी के अलावा साथ साथ प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ रिच कल्चर, आपका जो कल्चर है उसको आप प्रिजर्व कर सकें, बचा सकें आगे आने वाली जनरेशन के लिए और उसको प्रमोट करें, ऐसी पढ़ाई कराना एंशिएंट एजुकेशन का एम था। और एक लर्नर की या एक शिष्य की ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करना भी उसका एम था। अब आप देख रहे हैं कि क्यों आज के टाइम में वापस से एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम या एंशिएंट फिलोसफीज को पढ़ाने की बात हो रही है, पुरानी लैंग्वेजेस और कल्चर्स जो हैं उनको वापस से सिखाने की बात हो रही है बच्चों को। क्यों? क्योंकि हमारी जो कैरेक्टर बिल्डिंग और ओवरऑल पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं लैग कर रही है, तो वही चीज़ें वापस इनकॉर्पोरेट इनकल्केट करने के लिए बच्चों में ये बातें हो रही हैं। और ये देखो, ये यहीं से शुरू हो गई थी कि कितनी इंपॉर्टेंस रखती है हमारी जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो हमारे लिए एज अ ह्यूमन बीइंग आगे प्रॉस्पर करने के लिए। तो ये एम था कुछ एंशिएंट एजुकेशन का। अब हम आ गए अपने सेकंड जो हमने कैटेगरी बनाई थी बुद्धिस्ट पीरियड जो था उसकी। अब अगेन हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, आप रिलेट कर पाएंगे। अब देखिए, एजुकेशन सेंटर उस टाइम पे क्या था? गुरुकुल्स। और इस टाइम पे क्या थे? मॉनेस्ट्रीज और विहार्स जो होते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, आपसे पूछेगा कि एजुकेशन के क्या इंस्टीट्यूट या सेंटर्स हुआ करते थे बुद्धिस्ट पीरियड में, तो आपका आंसर होगा मॉनेस्ट्रीज और विहार जो होते थे वो उस टाइम पे एजुकेशन के सेंटर्स थे। Only the bhikshus could receive religious education. Important point है, जो सिर्फ bhikshus होते थे सिर्फ वही religious education ले सकते थे। Education system को कौन control करता था? Monks। आपने ये word सुना होगा, आजकल देखे भी होंगे आपने, जो monks होते थे वो क्या करते थे? पूरे education system को control करते थे, यानी कि education को ग्रहण करना और फिर उस information को घूमकर disseminate करना, यानी कि बांटना लोगों के साथ, ये काम था monks का। One important ceremony was papja, which was again the initiation ceremony. I'll write here. जैसे वहाँ पे क्या थी? याद कीजिए, initiation ceremony Buddhist period की जो है, वो है papja. और वहाँ पे उपनयन ceremony जो थी, वो थी ancient time में. तो जो papja थी, वो initiation ceremony थी. Student had to renounce all worldly and family relationship. यहाँ पर भी जो उसका घर परिवार और जो उसके समाज से जुड़े हुए जो रिलेशनशिप थे उसे खत्म कर और क्या करना होता था? शिक्षा ग्रहण करने के लिए आना होता था मॉनेस्ट्रीज में या विहार्स में। आफ्टर एडमिशन टू संघ्स दे कुड रिमेन एज मॉन्क। संघ में एडमिशन के बाद, यानी कि जब आपने संघ में एडमिशन ले लिया है, आप सारे वर्ल्डली प्लेजर्स और फैमिली रिलेशनशिप को छोड़कर मॉनेस्ट्रीज में आ चुके हैं, संघ में आ चुके हैं, तो आप एज अ मॉन्क अपना जीवन यापन करते थे और फिर उन्हें वापस से अपने पुराने जीवन में या पुराने फैमिली में जाने का मौका नहीं मिलता था। देयर वॉज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। उसके बाद आप आगे अपनी जो आपने रिलीजियस नॉलेज या जो भी आपने कल्चरल नॉलेज अटेन की है, आप उसे सिर्फ डिसेमिनेट करेंगे, बांटेंगे औरों के साथ।
The age limit for pabuja was 8 years. Another important term question आ सकता है. Pabuja यानी जो initiation है, यानी कि admission जो आप ले रहे हैं पढ़ने के लिए, उसकी जो age थी वो क्या थी? 8 years. And then he had to receive education for 12 years. 12 साल की पढ़ाई होती थी 8 के बाद. And then he had to go for upsampada, यानी कि जो end वाली ceremony होती थी, जब आपको full membership मिल जाती थी और आप as a monk continue करते थे अपने lifetime के लिए, उस ceremony का नाम था upsampada. तो आप देख रहे हो ये सारे ही words question बन सकते हैं आपके लिए. Final information देखते हैं. Monks at the age of 20 had to go for 20 कैसे हुए ये? क्योंकि 8 साल का जब वो था तो उसने एडमिशन लिया और 12 साल की उसने उसके बाद पढ़ाई की, तो जब वो 20 साल का हो गया, he had to go for उपसंपदा, यानी कि full membership of the monasteries या final ordination, and then he used to become the permanent member, as I said, of the sangh. उसके बाद there was no looking back. तो ये जो पूरे points थे, इसमें summarize कर दिया है मैंने Buddhist period की education की characteristics को. इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उस टाइम में हुई. एक तो यही जो मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन लेने के बाद बच्चा वापस नहीं जा सकता है. दूसरा, यहाँ देखिए वो वर्ड आ गया, उस टाइम पे क्या था? मोक्ष. और यहाँ पे क्या है? सेल्वेशन एंड निर्वाण. एजुकेशन का पर्पस है मुक्ति जो है वो, निर्वाण और सेल्वेशन जो है, ये वर्ड्स पॉपुलर हुए बुद्धिस्ट पीरियड में. 3 प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट, सॉरी, सुत्त, विनय और धम्म पे ताका. ये 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे जो उस टाइम पे प्रिस्क्राइब किए जाते थे. तीनों नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुत्त, विनय एंड धम्म पे ताका. इनकी पढ़ाई की जाती थी उस टाइम पे, जैसे लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, अकाउंटेंसी, ये सब सब्जेक्ट्स थे हम देख रहे थे. पाली अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. कैन यू रिलेट नाउ, कैन यू रिकॉल कि उस टाइम पे क्या लैंग्वेज थी? इट वॉज एंशियंट संस्कृत. और अगर आपसे पूछता है बुद्धिस्ट पीरियड में कौन सी लैंग्वेज होती थी, तो पाली. आप याद कीजिए, मैंने आपको एजुकेशन पॉलिसी में भी बताया था कि पाली, प्राकृत और जो ये लैंग्वेजेस हैं, इनको वापस से पढ़ाने की बात हो रही है और इनसे जुड़े हुए इंटरप्रिटेशन के इंस्टीट्यूट जो हैं, लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज हैं, वो एस्टैब्लिश की जा रही हैं. तो पाली वॉज द पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड. देन ड्यूरिंग द एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं कि उस टाइम पे कौन सा इंस्टीट्यूट पॉपुलर था. तो आपको पता होना चाहिए कि जो सारनाथ यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग बनी. किस टाइम पे? बुद्धिस्ट एरा में. सारनाथ बिकेम अ वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी, ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग इन द एरा ऑफ बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म. अजंता इंपॉर्टेंट, कहाँ है अजंता? अजंता वॉज अ पॉपुलर प्लेस फॉर लर्निंग आर्ट्स, पेंटिंग्स एंड आर्किटेक्चर. अजंता कहाँ पर है? होमवर्क. तो उस टाइम पे अजंता ने भी इम्पोर्टेंस जो है वो गेन की. किस टाइम पे? बुद्धिस्ट पीरियड में. ये नाम है, ये याद होना चाहिए. वो जनरली मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं आपसे कि किस टाइम पे कौन सा इंस्टीट्यूट या कौन सी यूनिवर्सिटी पॉपुलर थी, कौन सा लर्निंग का सेंटर था, वो इम्पोर्टेंट था. तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं. मुगल एरा, लास्ट जो हमारा फेज था वो था मुगल एरा, ब्रिटिशर्स के आने से पहले. इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड. मकताब्स एंड मदरसास, जैसे गुरुकुल्स, विहार्स, मोनेस्ट्रीज हमने पहले पढ़े, तो इसमें क्या है? स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन के लिए मकताब्स एंड मदरसास. स्कूल एजुकेशन जिन जगहों पे दी जाती थी उनको मकताब्स बोलते थे, और हायर एजुकेशन जहाँ पे दी जाती थी, ऑफर होती थी, उन्हें मदरसास बोला जाता था. करिकुलम की 2 कैटेगरीज थी, ट्रेडिशनल पढ़ाई और रैशनल. रैशनल क्या होता है? जब आप डिसीजन ले सकते हैं सही और गलत के बीच में. तो ये 2 कैटेगरीज थी. और एजुकेशन जो थी वो शुरू होती थी एक सेरेमनी से, ये चिल्ड्रन है, सेरेमनी से, जिसका नाम था बिस्मिल्ला. तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट है, बिस्मिल्ला वर्ड मुगल एरा में. मुगल रूलर्स वर ग्रेट पेट्रंस ऑफ लर्निंग आर्ट एंड लिटरेचर. हम सब जानते हैं जितने भी मुगल रूलर्स हमारे देश में आए और उन्होंने शासन किया, उस टाइम पे जो एजुकेशन से रिलेटेड उनके इनोवेशंस या उनके काम थे, उनमें हमेशा जिक्र होता है आर्ट और लिटरेचर का. म्यूजिक, साहित्य और संस्कृति और डिफरेंट जो हमारे कल्चरल हेरिटेज हैं उस टाइम पे बनाए गए. तो उस टाइम पे इन्होंने इन चीज़ों को बहुत ही प्रोपेगेट किया. मुगल एम्परर हुमायूं ने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स को मद्रास में दिल्ली के इंट्रोड्यूस किया. और अकबर ने अकाउंटेंसी, पब्लिक केयर और ज्योमेट्री, इन तरह इन सब्जेक्ट्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने अपने टाइम में.
पढ़ाने का तरीका क्या होता था, देखिए मेमोराइजिंग डिस्कसिंग एंड राइटिंग आउट द लेसन्स, जो लेसन्स आपको आपके जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो दे रहे हैं, तो वो किस पैटर्न को फॉलो करते थे, याद करना, फिर उन चीज़ों को डिस्कस करना और लिखना, इन चीज़ों से जो एजुकेशन थी वो प्रोवाइड की जाती थी। तो ये एक तरह से टोटैलिटी में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स थे एंशिएंट इंडिया से लेकर मुगल एरा तक के। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वन वर्ड क्वेश्चंस मैं ज़रूर कुछ दिनों बाद आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के एमसीक्यूज लाऊंगी, क्विज लाऊंगी, जिसमें जो वन वर्ड आंसर्स हैं आपके लिए वो सारे नए कॉन्सेप्ट्स होंगे, लेकिन वो वर्ड वन वर्ड जो होंगे वो आपको मदद करेंगे एग्जाम में उन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने के लिए। आज के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं जो बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं, जो आज हमने पढ़ा उससे रिलेटेड नहीं है, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये बहुत वाइड है, क्या पूछ ले एग्जामिनर पता नहीं है। तो एक बार नजर से अगर कोई चीज चली जाती है तो फिर वो आपको याद रहती है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम आज के क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, गार्गी, मैत्री एंड कपिला बिलोंग टू विच प्लेस, ये तीनों कौन थे, इसमें जाने की बजाय क्वेश्चन घुमा के आया है कि ये किस प्लेस को बिलोंग करते थे। तो चार ऑप्शन है, विदिशा, उज्जैन, पाटलिपुत्र एंड मिथिला। तो जो इसका सही आंसर है वो है मिथिला। ये तीनों ही एकेडमिशियंस जो थे वो मिथिला जो जगह थी उसको बिलोंग करते थे। और ये मिथिला कहाँ पर है, ये बिहार या झारखंड का जो बॉर्डर है उस जगह की बात हो रही है। गार्गी मैत्री आप जानते हैं, कपिला आपका होमवर्क है, मैं अभी नहीं बताऊंगी। इसी से मुझे एक याद आया है कि इस टाइम पे एक फेमस ग्रामेरियन हुए थे जिन्हें बोला जाता है पाणिनी, और एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हुए थे जो आप सब जानते हैं, जिन्हें चाणक्य कहते हैं, जो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे पॉपुलर हुए थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र दिया है। तो आपको ये फेमस कुछ ऋषि या फेमस एकेडमिशियंस किस टाइम में कौन से हुए थे, ये मैं कुछ स्लाइड्स में ऐड करूंगी आपके जब क्वेश्चन होंगी। अभी के लिए याद कीजिए, पाणिनी एक फेमस ग्रामेरियन थे और कौटिल्य जो थे या चाणक्य जो थे वो एक फेमस अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने मिलिट्री साइंस और इकोनॉमिक्स को लेकर बहुत ज्यादा काम किया और जिनके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं, मिथिला इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज के बारे में कौन सा वेद बात करता है। नहीं पता आपको कोई बात नहीं, लेकिन आप रिलेट करके देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद वॉज द ओल्डेस्ट वेदा, और अगर जो वैदिक एज थी वो सबसे पहले आई थी एंशियंट एरा में, तो कौन सा वेद उसको करेगा, ऋग्वेद। देख रहे हैं आप किस तरह से एलिमिनेशन करने के लिए भी कुछ जानकारी की जरूरत होती है। The university which became famous in post-Gupta era was, very important question, गुप्ता एरा जो थी आपका, उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी फेमस हुई। जब हम एंशियंट एजुकेशन के लर्निंग इंस्टीट्यूट्स पढ़ेंगे अपनी अगली कुछ क्लासेस में कि कौन से इंपॉर्टेंट थे, उसमें आप नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और ये काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, तब आपको अच्छे से इसका आंसर पता चल जाएगा। अभी के लिए गुप्ता एरा में जो इंस्टीट्यूट पॉपुलर हुआ था दैट वॉज नालंदा, आप या अभी के लिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं। What inspired the paintings of Ajanta? Very important question. ये औरंगाबाद में है, मैं खुद ही बता देती हूँ आपको। ये औरंगाबाद में जो अजंता केव्स हैं, जो उसमें पेंटिंग्स हैं, वो किससे इंस्पायर्ड हैं? ज़्यादातर बच्चे इसका गलत आंसर मार्क कर देते हैं, हालांकि जो हिस्ट्री वाले बच्चे होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि अजंता में जो पेंटिंग्स हैं वो जातक कथा, जो जातक टेल्स हैं उन पर बेस्ड हैं, और वो बात करती हैं बुद्धा के पिछले जन्म की। तो जो कंपैशनेट बुद्धा है उन्होंने इंस्पायर किया है अजंता की पेंटिंग्स को, राधा कृष्णा नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सी थी, तो वो मौर्य डायनेस्टी थी, गुप्ता, कुशान एंड कर्ण रिलेटेड डायनेस्टीज थी जो आई थी आपकी एग्जिस्टेंस में। What was the mode of education in ancient India? Very important, बहुत ही simple सा question है, बच्चे formal, informal, both and none of the above में ज़्यादातर बच्चे mark करेंगे कि जो education थी वो क्या होती थी, formal होती थी या फिर informal होती थी, लेकिन इसका answer है both। Ancient India में भी दोनों ही patterns को follow किया जाता था, informal और formal। कैसे? इन जो formal education थी वो तो गुरुकुल्स में दी जाती थी, आश्रम्स में दी जाती थी, टेम्पल्स में दी जाती थी,
तो जो एजुकेशन उस टाइम पे आपने देखा कि जो गुरु दे रहे थे वो सारी फॉर्मल एजुकेशन थी, तो उस टाइम पे फॉर्मल एजुकेशन, हाँ पैटर्न ये था लेकिन वो थी फॉर्मल एजुकेशन, जबकि जो इनफॉर्मल एजुकेशन थी वो आज ही की तरह जब बात करते हैं हम, तो इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? इनफॉर्मल एजुकेशन होती है जो आप अपने फैमिली से, आप अपने पेरेंट्स से, अपने सोशल ग्रुप से, बचपन से जो आप चीज़ें सीखते हैं इनफॉर्मली, क्लासरूम के कंटेक्स से बाहर जो सीखते हैं आप, वो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट होती है। तो वो तो उस टाइम पे भी था, तो जो इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरीके थे वो उस टाइम पे पॉपुलर थे, और इसलिए इसका आंसर बोथ है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। टाइप्स ऑफ संग्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, जो संग होते थे नॉलेज जहाँ पर आपको इम्पार्ट की जाती थी वो जो होते थे वो कितने तरह के होते थे? तो तीनों ही इसके आंसर है, परिषद, शाखा और चरण, ये तीनों ही लेवल्स जो होते थे ये संघ के पार्ट होते थे। देखिए ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। ये सारे क्वेश्चंस जो कंटेंट है उससे डिफरेंट और नए हैं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इनको जरूर एक बार देखिएगा। What was the popular term used for the centers of higher learning in South India? South India के जो higher learning के institutes थे उनको लेकर कौन सी term use होती थी? लोकमुद्रा, घटिका, नागसेना या none of the above? तो इसका आंसर है घटिकास। घटिकास जो होते थे वो South learning के higher education के जो institutes थे उन्हें बोला जाता था। इसी के साथ एक और word है कांची। कांची was a famous education institution in South India। अगर आपसे पूछता है South India का mark कीजिए इसमें कौन सा institute है जो famous था, तो आंसर होगा आपका कांची, और जिनको बोला क्या जाता था घटिकास। Who was considered as the most important god in Rigveda and its times? Rigveda के टाइम पे सबसे important जो god थे या जो भगवान थे जिनकी उस टाइम पे प्रार्थना या प्रेयर की जाती थी सबसे ज्यादा, वो कौन सी थी? यानी कि प्राचीन काल ही समझ लीजिए आप ऋग्वेद को, क्योंकि सबसे पहले आया। तो आप इनमें से गेस कीजिए कि लॉर्ड शिव, विष्णु, इंद्र या किन की उस टाइम पे सबसे ज्यादा उपासना या पूजा की जाती होगी, या किन को ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता होगा? इसका आंसर है लॉर्ड इंद्र, जो भगवान, सॉरी ये गलत मार्क किया हुआ है इसमें, लॉर्ड इंद्र इसका सही आंसर है। जो इंद्र थे भगवान, उनकी पूजा जो थी उनको, उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि वो किसके देवता हैं? बारिश के, और जल उस टाइम पे और आज भी सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो ऑफरिंग्स थी या पूजा थी वो इंद्र देवता की जाती थी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द एलिजिबिलिटी टू एडमिशन टू द प्रिसेप्टर्स हाउस? जहां आप शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं वहां एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्या थी? तो मैं आपको बता चुकी हूं इसलिए मैंने इसके ऑप्शंस नहीं दिए हैं। मॉरल फिटनेस एंड अनइम्पीचेबल कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर पे कोई कमी ना हो और आप मॉरली बिल्कुल फिट हो, आप में वैल्यूज अच्छी हो, बड़ों की आप रिस्पेक्ट करते हो, आप ऑनेस्ट हो, सत्य बातें बोलते हो और पढ़ना चाहते हो उन गुरु से, उसके बेसिस पे जो एडमिशन था वो आपका होता था। सो ये था आज का लेक्चर एंशिएंट इंडिया के ऊपर। आप एक बार इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, और आई एम श्योर अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो एक क्वेश्चन जो आपका इस यूनिट से मोस्ट डेफिनेट है आएगा, उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर आज के सेशन में आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट सेशन में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। Thank you so much and see you in the next session. Bye-bye.